पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। अखिलेश यादव का ये वायरल वीडियो एक बार फिर से मौजू हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तभी ऐलान कर दिया था, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सांसद बनने वाले हो। उस दिन का दिन है और आज का दिन, जब से अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सच हुई है, अवधेश प्रसाद का कद बढ़ता ही गया है। बुधवार को तो स्पीकर की कुर्सी पर भी आसीन हो गए फैजाबाद वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। माने बैठाइए सर, बैठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के लिए बुधवार का दिन खास था, खास इस मायने में कि उनका जन्मदिन भी था। इसी दिन वो लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी पर भी आसीन दिखाई दिए, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने बजट सेशन के जो 9 पीठासीन अधिकारी बनाए हैं, उनमें अवधेश प्रसाद भी शामिल हैं, जो स्पीकर की गैर मौजूदगी में लोकसभा चलाने के लिए नियुक्त तो हुए हैं। लोकसभा राज्यसभा में दरअसल ऐसा सिस्टम है कि सदन चलाने के लिए स्पीकर या सभापति कुछ सीनियर सांसदों का एक पैनल बनाते हैं, जो उनकी गैर मौजूदगी में सदन को संचालित करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को मिलाकर ये पैनल बनता है, जिसे पीठासीन कहा जाता है। जब तक कोई भी पीठासीन स्पीकर की कुर्सी पर है, उसी सम्मान और अधिकार का अधिकारी होता है जो स्पीकर को मिलता है। इधर समाजवादी पार्टी ने उनके जन्मदिन से पहले ही उन्हें एक और तोहफा दिया। सांसद अवधेश प्रसाद का कद बढ़ाकर सपा ने लोकसभा में अधिष्ठाता मंडल का सदस्य बनाया है, यानी पहले अखिलेश यादव ने उन्हें विपक्षी सांसदों की पहली पंक्ति में जगह दी, राहुल गांधी और अपने साथ बिठाया, फिर इंडिया के तमाम सांसदों से मिलाया और अब कद और भी बढ़ा दिया है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ अवधेश प्रसाद की जीत इंडिया गठबंधन के लिए जितनी बड़ी मास्टर स्ट्रोक बनी, फैजाबाद लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद पासी की उम्मीदवारी उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक थी। अखिलेश यादव ने बोल्ड फैसला लिया था फैजाबाद जैसी अनडिजर्व सीट पर एक दलित उम्मीदवार को चुनाव लड़ाकर। मथुरा नक्काशी, अब की बार अवधेश पासी, इसी नारे से अयोध्या में राजनीतिक चमत्कार हुआ और मोदी और योगी की लहर के बाद भी अवधेश प्रसाद अयोध्या जीत गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।